जब हमसे कोई मदद मांगे तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और हम किसी को मदद दे पाएं ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कोरोना की लड़ाई में कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन को जीने के लिए और या जीवन याचिका को चलाने के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद वही लोग हैं जिनके घर में कोरोना की चपेट में सभी लोग बीमार हैं, या फिर जिनके घर में बीमारियां बहुत पहले से चली आ रही हैं। जैनधारा फाउंडेशन के सभी सदस्य इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी असाध्य रोगी हैं उन्हें, जो कि हमेशा से अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट बराबर मिले, उन्हें गाड़ी से लाने ले जाने का काम करते हैं। हम फोटो सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनकी मजबूरी में उनका अपमान नहीं करना चाहते। लेकिन उसी मुहिम में एक लड़की जया, जिसने हमारी संस्था से संपर्क किया और हम लोगों से अपील की कि उनके घर में राशन व अन्य सुविधाएं कम पड़ रही हैं, और हमारी सभी टीम मेंबर्स ने कुछ पैसे इकट्ठा करके उस तक खाने पीने की सभी सामग्री पहुंचाई। बहुत दुखद है कि उनकी पूरी फैमिली कोरोना वायरस की चपेट में हो और उनके पिताजी, जो एकमात्र परिवार को चलाने वाले और कमाने वाले थे, उनका देहांत हो गया। वो हलवासिया ग्रुप की टीम में काम किया करते थे और अब उनकी जीवन और दिनचर्या बहुत ही अव्यवस्थित है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि अपनी सहमति से या अपनी हैसियत भर आप लोगों की कोरोना वायरस में मदद करें, बाहर निकलकर नहीं तो लोगों को मनोबल प्रदान करके। जनधारा फाउंडेशन आपका सदैव आभारी रहेगा। जब हमसे कोई मदद